नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद उन मौका परस्त लोगों को भी अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया होगा जो मोदी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी के पाले में चले गए थे, जिन्हें बीजेपी से ज्यादा मजबूत दूसरी पार्टी लग रही थी। इन नेताओं ने मोदी को नकारा तो जनता ने इन्हें ही नकार दिया, फिर चाहे वो अपनी फील्ड के कितने ही बड़े दिग्गज क्यों न रहे हो। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे 76 उम्मीदवारों में से ज्यादातर को अपनी सीट से हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के बागी और फिर कांग्रेस का दामन थामने वाले शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजियों की हदों को पार कर दिया और फिर जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए और पार्टी ने उनकी इमेज का फायदा उठाते हुए उन्हें पटना साहिब सीट से प्रत्याशी भी बनाया। लेकिन फिर भी वो बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद को पटखनी देने में सफल नहीं हो पाए और 284,657 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से हार गए। फिर और दलों में भी अदला बदली देखने को मिली, लेकिन मोदी या एनडीए से किसी भी तरह जुड़े नहीं रहने की वजह से उन्हें भी हारना ही पड़ा। जैसे मधेपुरा में पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव की बात करें तो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने पर उन्हें जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव ने लाखों वोटों से हरा दिया। यानी कि आरजेडी के शरद यादव को जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव ने करीब करीब 3 लाख वोटों से हरा दिया। शरद पवार के एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में आए तारिक अनवर को भी अवसरवादी होने का नुकसान उठाना पड़ा। कटिहार में जेडीयू के डीसी स्वामी से कांग्रेस में आए तारिक अनवर 57,000 मतों से हार गए। फिर बात करते हैं क्रिकेट से राजनीति में आए कीर्ति आजाद की, जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। उन्हें कांग्रेस ने उसी सीट से टिकट भी दिया जिससे वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। धनबाद में कीर्ति आजाद को कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के पूनम प्रभाकर गौड़ से हार का सामना करना पड़ा। कीर्ति आजाद 486,194 वोटों से हार गए। फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर में बीजेपी के कैलाश चौधरी से 3,23,000 वोटों से हार गए। और जो रवि किशन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से हार गए थे, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी का दामन थामा तो पार्टी ने उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट की जिम्मेदारी सौंपी। और फिर रवि किशन ने सपा के रामभुआल निषाद को 3,01,664 वोटों से हरा दिया। कर्नाटक में भी 3 कांग्रेस नेता बीजेपी में आए और उन्हें एक पार्टी ने टिकट भी दिया और मोदी सुनामी में जीते भी। एक हैं बीजेपी के उमेश यादव, जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को गुलबर्ग सीट से 95,452 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें उसका फायदा भी मिला। तभी तो महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट से वो एनसीपी के संग्राम अरुण को हराने में कामयाब हुए और 281,474 वोटों से शिकस्त दी। वहीं शिवसेना से बीजेपी में शामिल हुए प्रताप चिखलीकर ने भी नांदेड़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चव्हाण को 4,85,868 वोटों से हरा दिया। वहीं बीजेपी से निकलकर कांग्रेस का दामन थामने वाली सावित्री बाई फुले को भी बहराइच में बीजेपी के अक्षय बरलाल ने हरा दिया। अक्षय बरलाल ने 4,91,528 वोटों से सावित्री बाई फुले को हराया। तो ये थी उन नेताओं की सूची जिन्हें मौका परस्त होने का फायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ गया। कई तो मोदी सुनामी का शिकार हो गए तो कईयों को एक दल से दूसरे दल में जाने की भरपाई करनी पड़ी।